नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। आप लोगों की दुआएं, आपका प्यार हमेशा मिलता रहता है तो अच्छा तो रहना ही रहना है। तो आइए आज हम बताते हैं आपको धनिया। सर्दियों का टाइम आ गया और धनिया किसकी ज़रूरत नहीं है। हर गरीब अमीर, खास बच्चे बूढ़े और जवान, सभी को धनिया चाहिए। धनिया मतलब साबुत धनिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, धनिया पत्ता की बात कर रहा हूँ। साबुत धनिया कोई खाए ना खाए, लेकिन धनिया पत्ता यानी कि कोरिएंडर लीव्स हमारी सब्जी का, हमारे पराठे का, हमारे दाल का, हर चीज़ का स्वाद जो है वो चार गुना बढ़ा देता है, या यूं कहें कि चार चांद लगा देता है, तो गलत नहीं होगा। तो ऐसे में धनिया जो है मार्केट में आ तो रहा है, मिल रहा है, लेकिन क्या होता है, ओरिजिनल नहीं है। हाइब्रिड धनिया लगा लेते हैं, उसके पत्ते हैं, आपको हरियाली ज़रूर दिख रही है, लेकिन जो अरोमा आपको चाहिए, जिसकी आपको ज़रूरत है, दरकार है, वो नहीं मिलती। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि वो धनिया कौन सा होता है जिसमें से अरोमा पूरा आता है, और दूसरा लगाने का तरीका कि आप अपने घर में ही मात्र इस छोटे से टब के अंदर लगा करके और पूरा सीजन धनिया खा सकते हैं। तो मैं ए टू जेड जानकारी देने वाला हूँ, धनिया के किस्म के बारे में भी और पूरे लगाने की जानकारी भी। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखिए कि धनिया जो है, बम्पर धनिया हम कैसे उगा सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर दो प्रकार के धनिये लिए हैं, दो पैकेट हैं। अब देखिए धनिया क्या होता है, अक्सर के इस तरह का धनिया होता है। देखिए ध्यान से, ये धनिया है और इसको हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे बो देते हैं। अब इसमें भी दो प्रकार होती हैं, एक तो आप देख रहे हैं ये रेडिश कलर में, इसमें थोड़ा सा वो लगा हुआ है जो कि कीड़ा ना लगे। दूसरी बात, एक घर में धनिया आता है जिसका धनिया पाउडर हम लोग बनाते हैं, तो जो घर में धनिया आता है वो बिल्कुल हरा हरा होता है और उसको क्या करते हैं, कच्चा ही तोड़ लिया जाता है ताकि वो हरा कलर दिखे। आजकल सभी को क्या है, खाने की हो, पहनने की हो, हर चीज़ में सुंदरता दिखनी चाहिए। घिया सुंदर हो, तोरी सुंदर हो, भिंडी सुंदर हो और धनिया भी सुंदर हो, तो वो उसी हिसाब से मार्केट में आ जाता है। तो कच्चा धनिया होता है, तो पहली बात तो ये कि जो घर में धनिया खाने के लिए, धनिया पाउडर के लिए आता है, वो धनिया आपका उगेगा नहीं, तो वो ध्यान रखिए। धनिया जो है इस तरह का पका हुआ धनिया वही उगेगा। अब बात यह है कि क्या ऐसे धनिया को लगा देना चाहिए। अगर ऐसे धनिया बो दिया तो एक महीने भी शायद निकले आपका, क्योंकि एक धनिया का जो ये गोल बीज है, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, दो पौधे निकलते हैं। तो इसको हमने क्या करना है, तोड़ लेना है। तोड़ना कैसे है, कोई बेलन है, किसी चीज़ से हल्का हल्का रगड़ना है और उससे टूट जाता है। टूटने के बाद दो फाड़ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, नहीं तो नक्के टूट जाएंगे तो उगेगा नहीं। अब देखिए धनिया हमारे पास पैकेट अवेलेबल होता है और ये तोड़ के दे रहे हैं। देखिए ये दो फाड़ किया हुआ है। दो फाड़ धनिया का करने के बाद हमें क्या करना है, प्रोसेस देखिएगा। प्रोसेस दर बता रहा हूँ, प्रोसेस एक के बाद एक प्रोसेस कैसे करना है वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो धनिया के आपने प्रकार देख लिए, धनिया तोड़ना देख लिया। अब बात ये आती है, क्या इस धनिए को तोड़ने के बाद सीधा डायरेक्ट मिट्टी में डाल देना चाहिए? बहुत लोग डाल देते हैं ऐसे ही, लेकिन क्या होता है कि ये धनिया जो आपने टूटा हुआ देखा, ये अगर ऐसे ही डाल दें तो ये भी जो है 20 दिन 25 दिन महीने का समय ले सकता है। आखिर क्यों? इसलिए कि धनिया जो है बहुत हार्ड होता है, एक तरह का लकड़ी का पोर्शन जो होता है इस तरह का होता है, तो ये इतना हार्ड होता है कि उगने में समय लेता है। अब हम इस मिट्टी में डाल देंगे, आधी ऊपर आधी नीचे रहेगी, पानी कभी डाला कभी नहीं डाला, मॉइस्चर जिसको मिल गया उग जाएगा, जिसको नहीं मिला नहीं उगेगा। तो इसका तोड़ क्या है मैं बता रहा हूँ, आप गौर से देखिए। इसका अगला स्टेप दिखाऊँ धनिया का, उससे पहले मैं दिखा दूँ कि बोना किस में। अब लोग क्या करेंगे, देखिए कि इतने से बर्तन में या गमले में बोलेंगे, तो देखिए जैसे कि मैंने बताया कि हर सब्जी में डेली का जो इसका यूज़ है, तो इस छोटे में बोएंगे तो इतने में काटेंगे ख़त्म हो जाएगा। तो इसका जो सरफेस एरिया है धनिया का वो ज़्यादा होना चाहिए। हम क्या करते हैं, एक साइड से काटते रहते हैं, ऐसे घूमते हैं जैसे, और यहाँ तक पहुँचते हैं। सपोज करिए ये है, यहाँ से काटना शुरू किया, इतना एक दिन में यूज़ हुआ, दूसरे दिन में यूज़ हुआ, तीसरे दिन में यूज़ हुआ, चौथे दिन में यूज़ हुआ, पाँचवें दिन में यूज़ हुआ, छठे दिन में यूज़ हुआ, छः सात दिन के बाद यहाँ वाला जो फर्स्ट पोर्शन था ये तब तक फिर कटने के लिए तैयार हो जाता है। इसमें हम डालते हैं लिक्विड फर्टिलाइजर ताकि जल्दी ग्रोथ करे। तो लेकिन ये तो कटने की बात है, उससे पहले मिट्टी जो है इसकी वेल ड्रेन होनी चाहिए, पानी नहीं रुकना चाहिए अगर तसले में लगाते हैं तो। तसले में इसलिए कह रहा हूँ कि कई लोगों के पास जगह नहीं है कच्ची, कई बालकनी में रहते हैं, तो ये छोटा सा तसला लें, मार्केट में 150-200 रुपये का मिल जाता है और 5 से 7 साल इसकी लाइफ अच्छी रहती है। ये कंस्ट्रक्शन टब आपने लेना है, तो इसमें मिट्टी जो है वेल ड्रेन मिला लिया अच्छे से और ये मिट्टी हमारी तैयार है। अब मैं बता रहा था आपको कि ये जो धनिया है
इसको क्या करना है ताकि ये हमारा पांचवें दिन उग जाए। तो ये देखिए, ये हमने किया हुआ है, इसको पानी निकाल दिया है। देखिए अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, गौर से देखिए। ये देखिए गिल्ला है सारा ये अखबार, और इसको हमने क्या किया है आप देखेंगे, इस धनिए को हमने 72 घंटे यानी कि 3 दिन 3 रातें पानी में भिगो दिया, पानी में बिल्कुल डालकर छोड़ दिया, जो ये टूटा हुआ पोर्शन है। अब आप ये देखिए कि ये धनिए में जो है स्प्राउट निकलने शुरू हो गए हैं। धनिए का स्प्राउट आपने बहुत कम देखा होगा, देखिए धनिए में स्प्राउट आने शुरू हो गए हैं। तो हमने 72 घंटे भिगोने के बाद पिछले 3 दिन से इसको ढक के, ये जो आपने अखबार देखा है गीला अखबार करके ढक के रखा हुआ था, ताकि इसमें स्प्राउटिंग देख लें कि भाई 72 घंटे भिगोने के बाद 3 दिन में स्प्राउट आता है कि नहीं। क्योंकि मैं आपको कमिट कर रहा हूँ कि जो है 5 दिन में 7 दिन में धनिया बाहर आ जाएगा, तो मुझे भी तो देखना है ना कि 3 दिन में अगर स्प्राउट आ गया तभी तो 5 दिन या 6 दिन में धनिया बाहर आएगा। तो ये देखिए भिगाने के 3 दिन बाद जो है इनके अंदर स्प्राउट्स निकलने शुरू हो गए हैं। अभी देर नहीं हुई, अगर ज़्यादा स्प्राउट्स निकल गया तो जब हम इसको उठाएंगे तो ये स्प्राउट्स टूट जाएंगे, इनकी जो फुटाव है टूट जाएंगे। अब हमें क्या करना है, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी जो है मेन टिप्स चल रही हैं। अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया या धनिया हमने ऐसे ऐसे खिंडा दिया और इसको जो ऐसे ऐसे कर दिया तो आधा बीज अंदर और आधा बाहर रह जाएगा, तो वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। अब ये देखिए, ये धनिया जो है 1 टब का नहीं है, 2 टब 3 टब का है, क्योंकि बहुत ज़्यादा घना बोएंगे तो हमारा धनिया जो है वो हेल्दी नहीं होगा। तो इसको हमने ऐसे लेना है और देखिए इस तरह से हमने बिखेरना है प्रॉपर, ये देखिए एक जगह ज़्यादा ना रहे, तो इस तरह से हमें धनिया को बिखेर देना है प्रॉपर, एक ही जगह ना आ जाए, इसके लिए हमें ये काम करना होगा। तो ये पूरी तरह से बिखेरने के बाद अक्सर क्या करते हैं लोग कि इसको बिखेरा और इसको ऐसे ऐसे मिट्टी मिला दी, लेकिन क्या होता है उसे कि हमारा जो धनिया है कुछ ऊपर कुछ नीचे रह जाता है, जैसे मैंने बताया कि हार्ड होता है और जिसको पानी मॉइस्चर नहीं मिलेगा वो उगेगा नहीं। तो इस तरह हमने कर दिया। अब इस तरह करने के बाद देखिए कि धनिया जो है इसको ढकना है, हम ढकेंगे कैसे, अगली हमारी मिट्टी जो है उससे इस तरह का आधा इंची का जो लेयर है इस धनिए के ऊपर ऐसे हम डाल देंगे, ये देखिए इस तरह से हम इसको छन्ना मार देंगे। कहने का मतलब कि जो सारे बीज हैं हमारे वो ढक जाएं। अब उसके 2 रीज़न होते हैं बीज ढकने के, बीज नहीं ढकेंगे तो ऐसे उगने का हो गया, दूसरा बात क्या है कि कोई चिड़िया है गिलहरी है कुछ है तो जो बीज ऊपर पड़ा रहेगा वो उसको खा जाएंगे चुन के, और हम देखते रहेंगे हमारा धनिया नहीं उग रहा है, पता लगे बीज तो सारा जो है गिलहरी यानी कुटकुट खा गई है। तो ऐसे में हमें मिट्टी की आधे इंची की लेयर डालनी है, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, आधे इंची की मात्रा हमने लेयर जो है से ढक देनी है, ताकि हमारा जो सारा बीज है वो पूरी तरह से ढक जाए, और पूरी तरह से ढकने के बाद हमारी श्योरिटी हो जाती है एटलीस्ट 99% की कि धनिया हमारा उग जाएगा। और कुछ इस तरह के मोटे पत्थर हैं या मोटे जो मिट्टी के कण हैं तो इसको हम ऐसे निकाल लेंगे, नहीं तो क्या होगा टेंडर बीज जब निकलेगा तो उसके ऑब्स्टेकल आ जाएगा तो वो बाहर नहीं निकल पाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, हमने पानी डालना है। पानी देखिए ऐसे हाथ लगा के डालिए ताकि जो हमारा बीज है वो बाहर ना आ पाए, मतलब मिट्टी जो है वो खुदे नहीं। तो ऐसे हाथ लगा के बड़े आराम से डालिए आप, ये देखिए यानी कि पूरी पूरी मिट्टी जो है वो पूरी मिट्टी हमारी गीली होनी चाहिए। तो देखिए अभी आपको दिखाई दे रहा है एक भी बीज जो है बाहर नहीं आया है, सब के सब मिट्टी डालने की वजह से अंदर है। अब वेल ड्रेन सॉइल का मतलब देखिए, आपके आंखों देखते देखते ये जो है सब पानी मिट्टी के अंदर मर्ज हो जाएगा। अब हमारी मिट्टी गीली हो गई प्रॉपर तरीके से, इसको रखना फुल सनलाइट में, पूरे दिन की धूप जो है 6-7 घंटे 8 घंटे की धूप होनी चाहिए, तो ये आपका 5वें से 6ठे दिन उग जाएगा। और लाइव में आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से हमारा धनिया जर्मिनेट हुआ है। तो दोस्तों इस टेक्निक से धनिया उगाइए, और ये सारे टिप्स मैंने आपको दे दिए हैं, आपका धनिया जो है 5वें 6ठे दिन उग जाएगा। और फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे तो 15 से 20 दिन में आपको इसके पत्ते मिलने शुरू हो जाएंगे, 20 दिन में नहीं मिले तो 25-30 दिन में मिलने शुरू हो जाएंगे, बट मिलने शुरू हो जाएंगे, नहीं तो
दूसरे तरीके से बोएंगे तो जर्मिनेशन ही एक महीने बाद उसकी होती है। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन पे। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अगर ऑलरेडी चैनल पर हैं तो इसको शेयर कर दें, ताकि सभी को जो ऑर्गेनिक धनिया है, एरोमेटिक धनिया है, वो खाने को मिल जाए। इसके बीज हमारे पास अवेलेबल हैं। धन्यवाद।